तनात है यानी शाश्वत प्राचीन स्थिर अटल अनंत अनश्वर चिरंतन निरंतर निश्चय जिसका अस्तित्व सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जिसका कभी अभाव ना हो, यही है सनातन। ২০২৩ के विधानसभा चुनाव में सनातन मुद्दा बन गया। नरेंद्र मोदी ने सनातन पर कांग्रेस को ऐसा घेरा कि तीन राज्यों में कांग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकल गई। देखते ही देखते सनातन के मुद्दे ने कांग्रेस का वो हश्र कर दिया जिसका अंदाजा शायद खुद बीजेपी को भी नहीं था कि उसकी जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक सितंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर ऐसी बात कह दी कि इस विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई और देखते ही देखते तीन महीने के अंदर ऐसा बवंडर चला कि तीन राज्यों में कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने जातिवाद की राजनीति और सनातन के विरोध को स्वीकार नहीं किया है। सनातन के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत की आत्मा है सनातन और सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये भारत की जनता को अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस सनातन के चक्रव्यूह में फंस गई, कांग्रेस सनातन के अपमान में फंस गई, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के बड़बोलेपन में फंस गई और देखते ही देखते सनातन पर चोट की कोशिश बीजेपी के लिए वोट में तब्दील हो गई। कांग्रेस सिर्फ चुनाव नहीं हारी, कांग्रेस सिर्फ राज्यों में नहीं हारी, कांग्रेस अपने साथियों के जाल में फंसकर यही समझती रही कि उसने बीजेपी को बुनियादी चुनावी मुद्दों में फंसा कर रख दिया है। लेकिन सनातन पर बीजेपी का प्रचार बहुत कटीले तारों की तरह कांग्रेस को चारों तरफ से जकड़ता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक पब्लिक को समझा दिया कि सनातन इस तरह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक गमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, उसके सामने सनातन के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान नफरत का बाजार खड़े करना जैसा रहा। पब्लिक सब देखती रही और फिर अचानक राहुल गांधी की वो महीनों तक चली मेहनत जैसे बिना किसी शोर शराबे के डूब गई। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और गमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज
निराशा, नेगेटिविटी, ये गमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्दों का नतीजा बुरा होना ही था। देश भर में तमाम हिंदू संगठनों और बीजेपी के कई नेताओं ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा की। इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी इस बयान से किनारा करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल चुका था और आखिरकार कांग्रेस ही वो पार्टी बनी जिसे इस बयान का सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। क्या कांग्रेस को वाकई सनातन का श्राप लग गया? क्या कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह सनातन का मुद्दा रहा? कैसे सनातन बीजेपी के प्रचार का सेंटर पॉइंट बन गया? उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर 1 सितंबर को बयान दिया था और बीजेपी ने इस मुद्दे को फौरन लपका। 2 दिन बाद ही राजस्थान के डूंगरपुर में अमित शाह की सभा हुई और वहां उन्होंने डीएमके से लेकर कांग्रेस तक सबको घेर लिया। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? बीजेपी ने जैसे जैसे अपने प्रचार में इस मुद्दे को उठाया, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग समझ गए कि डीएमके ने कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस की हार पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप ले डूबा है, सनातन का विरोध करने से पार्टी डूब गई है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म को मिटाने वाले, सनातन धर्म को खत्म करने वाले, सनातन को बर्बाद करने वाले जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और सनातन न मिटा है न मिटेगा। कांग्रेस की हार की कई वजह रही और सनातन पर उदयनिधि स्टालिन का बयान उनमें से एक बड़ी वजह बना। ये आज कांग्रेस के कई बड़े नेता महसूस कर रहे होंगे। दक्षिण की राजनीति उत्तर भारत की पॉलिटिक्स से काफी अलग है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि सनातन के मुद्दे पर उससे गलती हुई है और बड़ी गलती हुई है। बीजेपी अक्सर अपने मुद्दे पर कांग्रेस को लाने में सफल हो जाती है। सनातन का मुद्दा भी ऐसा ही है जिस पर न चाहते हुए कांग्रेस को आना पड़ा और एक बार जब कांग्रेस बीजेपी के पिच पर चली गई तो बीजेपी ने चौके छक्के लगाने से चूक नहीं की। बीजेपी सनातन के मुद्दे को जमीन तक लेकर गई। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने इस मुद्दे को उठाया और फिर जब चुनाव के नतीजे आए तो सबको एहसास हो गया कि सनातन का मुद्दा क्लिक कर गया। को हिंदुत्व तो एक कोई किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। हिंदुत्व तो ये धरातल है, ये भारत भूमि है, यहाँ सनातन है, यहाँ हिंदू है। हमने अगर अन्य सभी मत और पंथों को अवसर दिया है यहाँ रहने का, आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ कहा गया, इसलिए अतिथि देवो भव की हम उसमें रहते हैं, संस्कारों में रहते हैं, तो हम सबको मान्यता देते हैं। और इसमें कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ सदैव षड्यंत्र किया है, हिंदुओं को नीचे गिराने का प्रयास किया। वैसे धर्म की राजनीति अलग चीज है, अपमान की पॉलिटिक्स अलग चीज है। सवाल है कि क्या अपने साथी दल डीएमके की पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस ने अपना चुनाव दांव पर लगा दिया? डीएमके से फौरन किनारा ना करना कांग्रेस को महंगा पड़ गया। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर क्या कहा था उसे बहुत गौर से देखिएगा। மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது.
சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस मुद्दे को अपने प्रचार में शामिल किया तो एक तरह से बीजेपी को लाइन मिल गई कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ना है और उसमें सनातन को लेकर विवाद पार्टी को बीजेपी को कितना नफा और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश में जब वोट पड़े उससे पहले सनातन की याद दिलाई गई, राजस्थान में जब वोट पड़े तो उससे पहले कन्हैयालाल मर्डर केस और कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े किए गए। कुल मिलाकर यही मुद्दा कांग्रेस की बड़ी हार की वजह बन गया। तीन राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद अब कांग्रेस के सामने 2024 का पहाड़ जैसा चुनाव है। हिंदी बेल्ट के तीन बड़े राज्यों में सूपड़ा साफ होने के बाद कांग्रेस के सामने कंफ्यूजन वाले हालात हैं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ डीएमके भी है और सनातन का मुद्दा ऐसा है जिस पर उदयनिधि स्टालिन ने अभी तक अपने बयान पर न माफी मांगी है न ही उस पर किसी तरह के खेद जाहिर की है। कुल मिलाकर कांग्रेस की मुसीबत अभी जिंदा है और 2024 के फैसले में इसका थोड़ा बहुत असर दिखता रहेगा।